Good morning, students. We all have been studying our chapter. Can you see the pattern? आज हम पेज नंबर 108 डिस्कस करेंगे आपकी बुक का. पेज नंबर 108 शोज सम नंबर पैटर्न्स. टिल नाउ वी हैव बीन स्टडिंग फ्यू पिक्चर पैटर्न्स और वेरी फ्यू ऑफ नंबर पैटर्न्स. पेज 108 में हम सारे नंबर पैटर्न्स चेक करेंगे. तो यहां पर इन्होंने आपको एक क्वेश्चन दे रखा है. दे से टेक अ नंबर एंड मल्टीप्लाई इट विद 2, 3, 4, 5 एट एवरी स्टेप. ऑल्सो एड 3 एट ईच स्टेप. देन दे से लुक एट द डिफरेंस इन द आंसर. लुक एट द डिफरेंस इन द आंसर एट ईच स्टेप. इज इट सेम एट एवरी स्टेप. तो आपको क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले एक नंबर लेना है. यहां पर जो इन्होंने नंबर ऑलरेडी ले रखा है दैट इज 12. एक नंबर लेना है एंड मल्टीप्लाई इट विद 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. मतलब पहले 2 से होगा, फिर 3 से होगा, फिर 4 से होगा, फिर 5 से होगा, 6 से होगा, 7 से होगा एंड सो ऑन. ठीक, ऐसे होता जाएगा हर स्टेप पे. ऑल्सो एड 3 एट ईच स्टेप. मल्टीप्लाई करने के साथ साथ हम हर स्टेप पर 3 एड करेंगे. क्लियर. पहले हम देखते हैं पहला क्या है. पहला स्टेप है 12 × 2 + 3. 12 × 2 = 24. 24 + 3 क्या हो जाएगा 27. तो पहले का आंसर क्या आ गया 27. ठीक. देन 12 × 3 = 36. 36 + 3 = 39. ऑल राइट. 12 × 4 = 48. 48 + 3 = 51. डू इट. 48 + 3 = 51. ठीक. सिमिलरली 12 × 5 = 60. 60 + 3 = 63. अब यहां तक आने पर आपने कोई पैटर्न ऑब्जर्व किया? डिड यू ऑब्जर्व सम पैटर्न? यस, यहां पर पैटर्न है. सबसे पहले दे टुक अ नंबर, इन्होंने एक नंबर लिया है और उसको हर स्टेप पर 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन सारे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. मतलब इंक्रीजिंग नंबर हो रहे हैं, है ना. पहले 2, देन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 लाइक दैट. साथ ही साथ हर स्टेप पे हम 3 ऐड कर रहे हैं. तो आगे का पैटर्न हम खुद से लिख सकते हैं ना. इस ब्लैंक में क्या आएगा 12, राइट. एंड 12 × 6 = 72. 72 में 3 प्लस करो क्या हो जाएगा 75. इजी. देन 12 × 7 = 84. ऐड क्या करना है हमें 3. 84 + 3 = 87. इसी तरह यहां पर 7 है तो यहां पर क्या आ जाएगा 8 और यहां पर 3. नंबर हमारा सेम था, 8 के बाद कौन सा नंबर आना चाहिए 9 एंड ऐड क्या करना है 3. ये क्या हो जाएगा 12 × 8 = 96 एंड ऐड क्या करेंगे 3. ऐड करो, आंसर विल बी 99. 12 × 9 = 108. 3 ऐड कर देंगे. 8 + 3 = 11. 1 कैरी. 1 + 0 = 1. 1. लुक एट द डिफरेंस इन द आंसर एट ईच स्टेप. हमें हर स्टेप पे आंसर्स का डिफरेंस भी चेक करना है. इज इट सेम एट एवरी स्टेप? चलो चेक करें. सबसे पहला हमारे पास क्या नंबर्स हैं? 27 एंड 39. अब 27 − 39 तो करेंगे नहीं ऑब्वियसली. हमेशा बड़े में से, बड़े डिजिट में से छोटे डिजिट को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो हम इन दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं क्या है. जब इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे कैसे करेंगे, 39 में से 27 सब्ट्रैक्ट किया, व्हाट विल बी योर आंसर? 9 − 7 = 2 एंड 3 − 2 = 1. तो हमारा डिफरेंस क्या आ गया 12. सिमिलरली 39 एंड 51 का डिफरेंस देखते हैं. ठीक. 51 − 39 करेंगे. 11 − 9 = 2 एंड 4 − 3 = 1. कितना डिफरेंस आ गया 12.
63 एंड 51 का डिफरेंस देखेंगे. 63 माइनस 51 इज 3 माइनस 1 इज 2, 6 माइनस 5 इज 1. तो आप देखेंगे ये जो डिफरेंस आ रहा है ये कितने डिजिट का, कितने नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है? 12 का. 75 माइनस 63 करके देखते हैं. 75 माइनस 63, 5 माइनस 3 इज 2, 7 माइनस 6 इज 1. कितना डिफरेंस आ गया? 6. तो पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या है, जो नंबर्स का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? 12. ये चीज समझ में आई आपको? ये एक प्रॉपर पैटर्न है. ऐसे ही करके आपको आगे कुछ पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना होगा एंड अकॉर्डिंगली वर्क करना होगा. हम एक दूसरा नंबर लेते हैं. लेट्स टेक अ नंबर से 5. ठीक, हमने 5 लिया और जैसे हम 12 वाले नंबर के साथ कर रहे थे दिस, वैसे ही हम इधर करेंगे. वो नंबर लेंगे, ईच स्टेप विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. हर स्टेप पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन से मल्टीप्लाई करेंगे. एंड दिस से आपकी बुक में क्वेश्चन दिया है जो नीचे, उसमें लिखा है यू शुड टेक अ डिफरेंट नंबर टू एड एट ईच स्टेप. मतलब हम कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं एड करने के लिए. इस वाले क्वेश्चन में हम एड कर रहे थे 3. जब हम ये 5 नंबर ले रहे हैं हम इसमें एड करते हैं सपोज 2. ठीक, लेट्स स्टार्ट. पहला स्टेप क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, यस, एंड एड 2. व्हाट विल बी द आंसर? 5 टू जा 10, 10 प्लस 2 इज 12. पहले हम ऐसे पैटर्न लिख लें जो हमारा पैटर्न है. नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 2, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 2, 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 2, 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 2, 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 2, 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 2, 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 2 एंड सो ऑन. इस तरह से हम आगे जितनी चाहे उतनी लंबी सीरीज बना सकते हैं. 5 into 3, 5 3 is 15, 5 4 is 20, हम मल्टीप्लाई करके पहले राइट कर ले रहे हैं. 5 5 is 25, 5 6 is 30, 5 7 is 35, 5 8 is 40, 5 9 is 45, 5 10 is 50. 5 का टेबल है, बहुत इजी, आप सबको आता है. 5 3 is 15, 15 प्लस 2 विल बी 17. 5 4 is 20, 20 प्लस 2 इज 22. 5 5 is 25, 25 प्लस 2 इज 27. 5 6 is 30, 30 प्लस 2 इज 32. 5 7 is 35, 35 प्लस 2 37, यस. 5 8 is 40, 40 प्लस 2 42. 5 9 is 45, 45 प्लस 2 इज 47. 5 10 is 50 एंड 50 प्लस 2 इज 52. नाउ चेक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स एट ईच स्टेप. चेक करिए, चेक करें इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होगा. 17 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 5, है ना. 22 माइनस 17, ये तो फिंगर्स पे होगा ना. 17 एंड 22 के बीच में कितना डिफरेंस है? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 5 का. 27 माइनस 22 कितना हो जाएगा? अगेन 5. 32 माइनस 27 इज अगेन 5. तो यहां पर हम देखेंगे हर स्टेप पे डिफरेंस कितने का आ रहा है? 5 का. आगे की डिफरेंस आप निकालिए, फाइंड इट आउट. इट सेज लुक एट द नंबर्स बिलो, लुक फॉर द पैटर्न, कैन यू टेक इट फॉरवर्ड. ये कह रहे हैं कि सबसे पहले आप इन नंबर्स को देखें, ठीक है, और इनका जो पैटर्न है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट रो इज 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू 1. क्या हम सॉल्व करके देखें? 9 माइनस 1 विल बी करेक्ट 8,
एंड 8 डिवाइडेड बाय 8, ये वाला डिवाइडेड बाय 8 है ना, तो 8 को 8 से डिवाइड कर दिया, व्हाट विल बी द आंसर? 1, राइट? दिस इज करेक्ट. अब 98 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 8, 98 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो कितना आया? यस, 96. अब 96 को 8 से डिवाइड करो, 96 डिवाइडेड बाय 8, इट वन ज 8, 8 टू ज 16, 96 डिवाइडेड बाय 8 विल बी 12, यस आंसर इज 987 में से 3 माइनस करो, आंसर आएगा 984, है ना. अब इसको किससे डिवाइड करना है हमें? 8 से, 8 से डिवाइड करके देखते हैं, 8 वन ज 8, 8 टू ज 16 एंड 8 थ्री ज 24, ओके करेक्ट, 1, 2, 3 इज द आंसर. अब जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम उनको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, 8 से डिवाइड करते जाएंगे, तो ये क्यूबरसम प्रोसेस हो जाएगा ना, थोड़ा परेशानी वाला, जब क्योंकि ये पैटर्न तो कहीं तक भी जा सकता है ना, इन्फिनिटी तक, बहुत आगे तक जा सकता है, तो नंबर्स तो बहुत बड़े होते जाएंगे, तो क्या हम माइनस करते ही रहेंगे और उनको डिवाइड ही करते रहेंगे? ऐसे तो हमें आंसर्स निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए तो मैम ने बताया था ना कि हम पैटर्न फाइंड करते हैं. इसमें क्या पैटर्न हम फाइंड कर सकते हैं, यहां से शुरू करते हैं. सबसे पहले देखो पहला नंबर क्या है, 9, उसके बाद सीरीज में क्या आ रहा है नंबर, 98, ओके रिवर्स काउंटिंग लग रही है, 987, हाँ जी रिवर्स काउंटिंग के फॉर्म में तो लिखा है 9, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, नेक्स्ट क्या है 9876, ठीक, उसके बाद वाला नंबर क्या है 98765, ओके. तो डेफिनेटली जो अगला नंबर आएगा इस अकॉर्डिंग, रिवर्स काउंटिंग के अकॉर्डिंग, तो वो क्या आ जाएगा 98765 4, ठीक. एंड अगर हम इधर देखें तो इधर क्या है, इधर जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं नंबर वो इंक्रीज हो रहे हैं, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ऑब्वियसली 6, ठीक. नेक्स्ट इज यहां पर 987654 आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग अगला नंबर क्या हो जाएगा, यस 3, माइनस करेंगे किसको, अगर यहां पर 5 है, 4, 5, 6 है, तो यहां पर क्या आएगा 7, ठीक. नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 7, 6, 5, 4, 3, 2 हो जाएगा ना, माइनस किसको करेंगे 8 को, ठीक है. इसका अगला नंबर लिखो, आप लिखो, फर्स्ट यू राइट देन आई विल राइट, ओके 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, और माइनस क्या होगा 9, यू गॉट माई पॉइंट, ठीक. इतने सारे नंबर हैं, इनको माइनस करके और डिवाइड तो करेंगे नहीं, तो अगर यहां पर पैटर्न है तो यहां पर भी तो पैटर्न आएगा ना, यहां पर भी तो हमें पैटर्न विजिबल है, बहुत क्लियर पैटर्न है ना, पहले 1 है, फिर 1, 2, ये तुम्हारी काउंटिंग चल रही है स्ट्रेट, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, नेक्स्ट क्या होगा 1, 2, 3, 4 एंड 5, देन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. आई एम राइटिंग इट विद डिफरेंट कलर्स सो दैट यू अंडरस्टैंड इट कि कौन सा नंबर एड हो रहा है, ओके okay? यहां पर कौन सा नंबर एड हो जाएगा लास्ट में 9, ठीक. हमारे पास ऑप्शन हमेशा है कि हम इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, इनमें से कोई भी एक स्टेप उठाएंगे, ठीक,
उसको माइनस करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे एंड आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो आप ये अभी करके देख सकते हो वीडियो पॉज करके। अगला जो हमारा पैटर्न है वो है एक ट्रायंगुलर पैटर्न। ठीक है, इस जो ये जो ट्रायंगल है ना, इसमें कुछ डिजिट्स हमें दे रखी हैं, इसे हम पास्कल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। ठीक, इसमें एक प्रॉपर पैटर्न चल रहा है जिसको हम कुछ नंबर्स को ऐड करके इस ट्रायंगल के बॉक्सेस को फिल करते जा रहे हैं। कैसे करते जा रहे हैं, विल लर्न इन दिस वीडियो। ओके, विल लर्न इट टुगेदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप पहला नंबर हमें क्या दिया हुआ है, 1। देन ये जो दो ब्लॉक्स है इनमें कौन सा नंबर दिया हुआ है, 1। अब जो थर्ड लाइन है इसमें क्या दिया हुआ है, 1, 2 एंड 1। ओके, कुछ समझ में आया, ये कैसे आया, नहीं आया। नेक्स्ट नेक्स्ट रो में क्या है, 1, 3, 3 एंड 1। ओके, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। चलो एक और रो चेक करते हैं, व्हाट इज इट, 1, 4, 6, 4 एंड 1। ओके, तो इनमें कुछ एडिशन हुआ है आपस में, जैसे 1 को यहां पर 1 से ऐड कर दिया गया है तो 2 आ गया है, है ना। यहां को 1, यहां पर 1 को शायद 3 से ऐड किया है, 2 से ऐड किया है तो 3 आया है, 3 से ऐड किया है तो 4 आया है। तो हम ये देख रहे हैं कि पैटर्न कैसे बना है, है ना, कैसे बना है। सबसे पहला नंबर हमारे पास क्या है, 1। यहां पर ये 1 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है फिर से 1 एंड 1 में। ठीक, जो नेक्स्ट रो है ये वाली रो, इसको कैसे फाइंड आउट किया है, कॉर्नर्स तो हमारे 1 रहेंगे, लास्ट जो डिजिट्स हैं वो हम 1 ले रहे हैं दोनों में, पर जो बीच वाली डिजिट है वो पहले वाली रो के नंबर्स की एडिशन है, 1 प्लस 1। इस 1 को और इस 1 को प्लस करके क्या ले आए हैं, 2। दिस 1 प्लस दिस 1, इट गेव यू 2। यहां पर क्या आ गया, 2। यहां तक करे क्लियर। ठीक, नेक्स्ट क्या किया इन्होंने, जो ये वाली रो थी इसको लाने के लिए क्या किया, हम यहां पर 1 प्लस 1 को 2 किया है। ठीक, हम नेक्स्ट रो देख रहे हैं तो यहां पर 3 और 3 आया है, पर ये कैसे आया है, 1 एंड 1 तो एज इट इज कॉपीड है, 3 कैसे आया होगा, इधर से 1 को 2 से प्लस किया, यहां पर क्या आ गया, दिस 1 इज एडेड विद दिस 2 एंड इट गेव 3। ठीक, 1 प्लस 2 गेव यू 3। तो ये वाला ब्लॉक खाली रह गया, अब ये वाला ब्लॉक खाली रह गया तो इसको फिल करने के लिए क्या किया इन्होंने, सेम 2 को इसके पास वाले नंबर से ऐड कर दिया, तो 2 प्लस 1 गिव यू 3 अगेन। ठीक, ये 2 कैसे आया था, 1 प्लस 1 2। अब एडजस्टेंट जो आसपास वाले डिजिट्स हैं उनको ऐड करके अगले बॉक्स में आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1 तो एज इट इज रखेंगे, जो सेकंड ब्लॉक है वो ऊपर के दोनों बॉक्सेस का एडिशन होगा, 1 प्लस 2 इज 3। नेक्स्ट बॉक्स में भी एडिशन आएगा, 2 प्लस 1 इज 3 और उसके बाद ये 1 एज इट इज। ठीक, नेक्स्ट वी सी 1 एज इट इज, इस वाले बॉक्स में कैसे आया, 4, 1 प्लस 3, दिस 1 इज एडेड टू दिस 3 एंड इट गेव यू 4, 1 प्लस 3 इज 4, यू गेटिंग माई पॉइंट। देन इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया, एडिशन ही तो हो रहा है एक एक ब्लॉक का, पहले 1 को 2 से ऐड किया फिर 2 को 1 से ऐड किया, इधर पहले 1 को 3 से ऐड किया तो 4 आया, आंसर हम नीचे वाले लाइन में लिख रहे हैं, नीचे वाले रो में लिख रहे हैं, 1 को 3 से ऐड किया तो 4 आया, 3 को 3 से ऐड किया तो क्या आएगा, 6। इसके बाद वाला एक ब्लॉक भी तो रह रहा है और एक ऑपरेशन भी रहेगा, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4 एंड 1 एज इट इज कॉपीड। राइट, नेक्स्ट हम अपने आप से सॉल्व करें, देखो पहले क्या है, 1 तो एज इट इज कॉपी कर दिया हमने। ठीक, उसके बाद किसको किससे ऐड किया है, इसके जस्ट बाद वाला नंबर क्या है, 1 एंड 4, तो 1 एंड 4 को ऐड करके क्या आ जाएगा, 5। ठीक, इस नंबर को फिर इसके अगले वाले नंबर से ऐड कर देना है, 4 प्लस 6 इज 10। आगे बढ़ते रहना है ना, और कैसे बढ़ रहे हैं हम आगे, ऐड करते हुए नंबर्स को, तो अब इसी नंबर को
4 प्लस 6 10 यहां पर आया. अब 6 प्लस 4 10. नाउ 4 प्लस 1 इज 5. तो आपने यहां पर एक सिमिलैरिटी भी देखी होगी, एक पैटर्न फॉलो होता जा रहा है. जो नंबर इधर है वही नंबर इधर है, जो नंबर इधर है देखो वही नंबर इधर है. 1 5 10 10 5 1. स्पेशल नंबर्स भी तो फॉर्म कर रहे हैं पैलिंड्रोम जैसे. 1 5 10 10 5 1 है ना. नेक्स्ट में क्या करेंगे, 1 एज इट इज कॉपी होगा ना दोनों साइड. ठीक, आगे सॉल्व करते चलें. 1 प्लस 5 क्या आएगा, यस 6. 5 प्लस 10 15. 10 प्लस 10 20. 10 प्लस 5 15 एंड 5 प्लस 1 6. क्या कर रहे हैं, बॉक्सेस में जो नंबर्स हैं उनको ऐड करते जा रहे हैं. पहले 1 को 5 से ऐड करके आंसर यहां आएगा. 5 प्लस 10 किया तो 15 आया, देन 10 प्लस 10 किया तो 20 आया, 10 प्लस 5 किया तो 15 आया, 5 प्लस 1 किया तो 6 आया. आर यू ऑल गेटिंग. नेक्स्ट 1 एंड 1 ये एज इट इज रहेगा. ठीक, 1 प्लस 6 10 7 गुड. अब क्या करा, इसको इससे ऐड कर देंगे ना. 6 प्लस 15 करेंगे, 6 प्लस 15 बताओ, यस 21. 15 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 35. 20 प्लस 15 35. 15 प्लस 6 21. ठीक, समझ में आया. कैसे किया, यहां पर वैसी जैसे हम पहले अपने पैटर्न को चलते आए करते आए. 1 प्लस 6 7. 6 प्लस 15 किया तो आंसर 21. 15 प्लस 20 किया तो आंसर 35. देन 20 प्लस 15 किया आंसर 35. 15 प्लस 6 किया आंसर 21. 6 प्लस 1 इज 7 एंड 1 एज इट इज. तो आपको समझ में आया कैसे हुआ है. 1 में 6 प्लस किया, 1 को तो पहले कॉपी किया एज इट इज, फिर 1 में 6 प्लस किया आंसर क्या आया 7. 6 में 15 प्लस किया 21. 15 में 20 प्लस किया 35. 20 में 15 प्लस करेंगे 35. 15 में 6 ऐड किया 21 एंड 6 प्लस 1 7. 1 एज इट इज. एक चीज और ध्यान रखनी है कि हर बार में एक बॉक्स हमारा ऐड होता जाएगा. जैसे यहां पर 1 बॉक्स था, फिर यहां 2 हुआ, एडिशन के बाद इन दोनों का एक बॉक्स ऐड हुआ. यहां पर एडिशन हुआ तो एक ब्लॉक और ऐड हो गया. 1 2 3 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8. इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी और आप मिस्टेक नहीं करोगे. आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड दिस टॉपिक. थैंक यू.